वीडियो शुरू करने से पहले ये लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन जहां कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर दो, और इस पे क्लिक करने के बाद में इसके पास में ही आपको ये जो घंटी का निशान दिखाई देगा मेक श्योर कि आपने इस पे भी क्लिक कर रखा है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक प्रोफेशनल DSLR लैपटॉप बैग जो कि है वैनगार्ड का अल्ट्राराइज 49 जो है उसका मॉडल नंबर है। इस बैग में जो है आप 2 से 3 DSLR बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हो, और काफ़ी बड़े लेंसेज भी अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी काफ़ी आसानी से जो है इस बैग में सारा कुछ बैठ जाता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बैग की अनबॉक्सिंग और बाकी सारे फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ बैग के पहले, उसके बाद में करेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात। इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फील है वो काफ़ी प्रीमियम है मैं कहूँगा, और मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको बाहर की चीज़ें कि बाहर आपको क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ही एक पॉकेट दे रखा है, इसकी जो लेंथ है ज़्यादा डीप नहीं है, यहाँ तक ही है। उसके बाद में सेकेंड पॉकेट जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे भी आप अपने पैसे या फिर कुछ भी ऐसे जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं अपने क्लीनिंग के लिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पे सबसे आगे एक ये दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेन कवर यहाँ पे लिख रखा है, पर ये कंपार्टमेंट जो है काफ़ी बड़ा है, इसमें रेन कवर भी दे रखा है और उसके अलावा भी आप जो है अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रख सकते हो। और रेन कवर जो है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है मैं कहूँगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का पैक हो गया, एक छोटा सा दे रखा है आपको रेन कवर जो कि इस पूरे पैक को कवर कर लेता है, काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन ये जो है आपको बारिश के टाइम में भी मिल जाती है अपने बैग को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कवर के थ्रू। यहाँ पे रेन कवर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसमें रेन कवर ही रख सकते हो। उसके बाद में बैग की दोनों ही साइड में आपको ये वाले पॉकेट्स मिल जाते हैं जहाँ पे कुछ भी आप चीज़ें डाल सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा होगा ट्राईपोड का ये साइन यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें से जो है ट्राईपोड के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट निकलता है जो कि आप इस स्ट्रैप के थ्रू यहाँ पे इन क्लिप में डाल के और फिर ट्राईपोड को जो है यहाँ पे अपना माउंट कर सकते हो। और ऊपर की साइड में भी यहाँ पे ट्राईपोड को अच्छे से माउंट करने के लिए एक और स्ट्रैप यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली अपना ट्राईपोड जो है वो फिट कर सकते हो। और ये फीचर मेरे को काफ़ी पसंद आया कि जब आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको अंदर डाल के चेन क्लोज़ कर दो, जिससे कि यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहता और बैग जो है बिल्कुल परफेक्टली कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसके बाद में इसी के पास में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैपटॉप का जो है साइन वो दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका लैपटॉप कंपार्टमेंट जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से जो है अपना लैपटॉप भी साथ में कैरी कर सकते हो। और उसके लिए पैडिंग भी अच्छी खासी दे रखी है, और आप एक फुल साइज़ लैपटॉप जो 15 इंच तक का होता है वो आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हो। इसके अलावा पीछे की जो पैडिंग है वो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रखी है, जिसमें आपको ज़्यादा अगर स्वेटिंग वगैरह भी होती है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कुशनिंग जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक सीक्रेट काइंड ऑफ जो है पॉकेट मिल जाता है, जिसमें कि आप अपने पैसे या फिर वॉलेट वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये इतना बड़ा पॉकेट यहाँ पे दे रखा है जिसमें आप अपना वॉलेट या फिर पैसे वगैरह जो भी है आप इजीली कैरी कर सकते हो। और इसकी चेन भी जो है पीछे से दिखाई नहीं देती, ये भी अंदर छुप जाती है। इसके अलावा अगर आपका बैग ज़्यादा हैवी हो गया है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्ट्रैप्स दे रखे हैं, और उनको भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डाला हुआ है। ये भी आपको जब अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो आप काफ़ी अच्छे से इनको अंदर डाल के रख सकते हो, और जब आपको ज़रूरत है तब आप इनको निकाल सकते हो यहाँ पे। और ये जो है क्लिप दे रखा है, तो अगर आपका लोड ज़्यादा हो गया है बैग में तो आप ये भी जो है यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इनको फोल्ड करके वापस अंदर डाल दो। इसके बाद में दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी साइड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बस ये एक पॉकेट मिलता है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये तो था बाहर का पूरा पोर्शन। अभी अंदर का जो है एक सबसे स्पेशल फीचर ये दे रखा है कि आप इसकी चेन जो है डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपको जो है सबसे ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है वही एक्सेस करने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने कुछ भी डाल रखा है अपना कैमरा, अगर इसको हटा के आपने यहाँ पे डायरेक्टली डाल रखा है तो डायरेक्टली आप अपना कैमरा बिना पूरा बैग ओपन किए जो है एक्सेस कर सकते हो। और अल्ट्राराइज 48 वाला जो इसका मॉडल आता है उसमें और इसमें बस एक ही डिफरेंस दे रखा है कि उसमें जो है यहाँ पे साइड में आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है क्विक एक्सेस, जहाँ पे कि आप अपना एक DSLR रख सकते हो और दूसरा अंदर रख सकते हो। तो यहाँ पे भी क्विक एक्सेस के लिए अगर आप चाहो ऑप्शन तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस मिल जाता है इतना ओपन करने पे। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये जो क्लिप्स दे रखे हैं इनके थ्रू जो है आपकी चेंज इससे ज़्यादा खुलेगी नहीं, तो आपका बैग जो है इतना ही ओपन हो पाएगा और यहाँ से आप अपना कैमरा जो है वो इजीली एक्सेस कर पाते हो। फिर अगर आपको अंदर का कंपार्टमेंट पूरा एक्सेस करना है तो आपको ये क्लिप्स जो है यहाँ से हटाने पड़ेंगे पहले, और उसके बाद में आप ये चेन पूरी तरह से ओपन कर सकते हो। अभी अंदर जो है मैंने सारी चीज़ें पहले से ही डाल रखी है अपनी, और कुछ कुछ चीज़ें जो है अभी मिसिंग भी है यहाँ पे,
तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनमें आप जो है कंपार्टमेंट्स अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। ये जो पार्टीशन के लिए आपको पैडिंग्स जो है ये दे रखी है काफ़ी सारी, इसमें दो मैंने उल्टा निकाल रखा है जो कि मैंने यहाँ पे चिपकाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों। तो ये भी कंपार्टमेंट्स में अगर मेरे को कहीं पर भी ज़रूरत है तो इनको लगा के वहाँ पर बना सकता हूँ। पर अभी जो कुछ मेरी नीड थी वो सब मैंने कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना बोया का जो है माइक्रोफोन रखा हुआ है। उसके बाद में ये जो मेरा सेकेंडरी DSLR है, जो कि ओल्ड DSLR है मेरा, पहले यूज़ किया करता था, वो आप देख सकते हो किट लेंस पे हुड लगाने के बाद में भी जो है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे प्लेस कर पाता हूँ। तो इससे आप इन कंपार्टमेंट्स की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हो। किट लेंस पे हुड लगाने के बावजूद भी आप जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो, ये कोई भी प्रॉब्लम जो है आपकी क्रिएट नहीं करता है और इजीली इसके अंदर जो है फिट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो है वो मैंने रखा हुआ है, जो कि है Zoom H1। उसके बाद में दोनों ही कैमराज के जो चार्जर्स है वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना प्राइम लेंस। जब मैं ये 50mm यूज़ कर रहा होता हूँ तब अपना 10-18mm जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो लेंस भी यहाँ पे काफ़ी ईजिली आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने रख रखी है कुछ केबल्स। उसके बाद में सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने अभी रखा हुआ है मैनफ्रोटो का अपना एक ये ट्राईपॉड, जो कि है मैनफ्रोटो पिक्सी मिनी। ये भी मैंने अपनी सारी अभी एसेसरीज़ के साथ में ही परचेस किया है और इसका मैं कोई अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। तो इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल सुपर क्वालिटी का है ये। और मेरे दोनों ही DSLRs जो है काफ़ी ईजिली इस पर मैं जो है कैरी कर सकता हूँ और हैंडल कर लेता है ये। इसका बॉल हेड भी जो है इसकी साइज़ पर आप मत जाओ कि ये छोटा है तो क्या पता कितना करता होगा, पर 2 kg तक का जो है इसका मैक्सिमम वेट की कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी तक जो है ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो अभी इसको डालने के बाद में भी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना जैसे कि लैपटॉप का चार्जर हो गया या फिर एक ऐसी और अपनी कैमरा के चार्जर की जो केबल है वो, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत इजीली कैरी कर सकता हूँ। तो ये कंपार्टमेंट भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे ये जो पोर्शन मैंने खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे जो अपना मेन कैमरा है जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं रखता हूँ अपना। तो उसकी लेंथ जो है लेंस के हिसाब से आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और काफ़ी इजीली जो है यहाँ पे आपका मेन कैमरा भी फिट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी स्पेस बच जाता है ऊपर की तरफ में। उसके बाद में इसका बैक का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी कार्ड्स रखने के लिए काफ़ी अच्छा जो है दो पॉकेट्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें आप अपने जो एम्प्टी मेमोरी कार्ड्स है वो डाल सकते हो और यहाँ पे जो आपने आपके मेमोरी कार्ड भर गए हैं उनके लिए यहाँ पे ये साइन दे रखा है ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो और दोनों मेमोरी कार्ड्स अपने अलग अलग रख सको। तो यहाँ पे 4 से 5 मेमोरी कार्ड आप इजीली जो है कैरी कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 zipper pockets जिनके अंदर आप कुछ भी अपना पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क वगैरह जो है कैरी कर सकते हो। उसके बाद में इसके नीचे भी आपको इसी तरह का एक और पॉकेट जो है वो मिल जाता है, यहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट हो गया या फिर उस तरह की चीज़ें जो है वो कैरी कर सकते हो यहाँ पे डाल के। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें पार्टीशन के लिए जो डिवाइडर्स आपको दे रखे हैं इसमें एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है कि इसका अंदर का जो कुशनिंग है वो इस तरह का है कुछ कि ये आप कहीं पे भी चिपकाओगे तो चिपक जाएगा। चारों तरफ इसमें ऐसी ही कुशनिंग दे रखी है कि ये कहीं पे भी जो है आपका एडजस्ट हो जाता है। इसमें आप अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी तरह का जो है कंपार्टमेंट आप बनाना चाहो वो बना सकते हो और ये सारे ही अगर आप निकाल देते हो तो ये पूरा बैग जो है यहाँ पे एम्प्टी भी हो जाएगा, पूरा एक ही कंपार्टमेंट भी आप जो है इन सबको निकाल के बना सकते हो। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ और Eltarize 48 और 49 जो दोनों मॉडल्स हैं उनमें एक ही डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है कि 48 जो है उसमें आप यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट मिलता है जिसके थ्रू आप बाहर से ही जो है बिना अपने बैग को ओपन किए डायरेक्टली अपना DSLR यहाँ से एक एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा इस बैग में और उसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, अगर होगा भी तो कोई माइनर सा होगा। तो बस गाइज ये था इस पूरे बैग का रिव्यू और अगर आपको ये बैग पसंद आया और आप परचेस करना चाहते हो तो हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, बेस्ट बाय लिंक जो है, और उसके साथ ही साथ मैं इस मैनफ्रोटो पिक्सी मिनी का भी जो है लिंक डाल दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो खरीदी है उनके भी कुछ वीडियोज़ में डाल चुका हूँ और कुछ वीडियोज़ बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ, वो वीडियोज़ भी एक बार चेकआउट कर लेना और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस ये था वैनगार्ड का Eltarize 49 कैमरा बैग। इसकी क्वालिटी तो जो है आपने देख ही ली है, काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी का मैं कह सकता हूँ इस बैग को, और प्राइस रेंज भी जो है थोड़ा सा हायर है, पर क्वालिटी के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा और बेस्ट ऑप्शन जो है आपके लिए हो सकता है। तो आपको ये बैग कैसा लगा वो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी भी है इस बैग से रिलेटेड तो प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, वहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप भी ये बैग परचेस करना चाहते हो तो एज ऑलवेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका बेस्ट बाय लिंक जो है वो मिल जाएगा,
और उसके अलावा आपने जो कोई भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक इस चैनल पर रिव्यू किया उनमें से अगर कोई भी परचेज करना चाहते हो तो नीचे अपनी दुकान करके अमेजोन का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अगर आप अपनी दुकान चेकआउट करोगे अमेजोन पे तो वहाँ पे बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन प्रोडक्ट्स को भी बहुत ही ईजिली एक्सेस और परचेस कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन दिखाई देता है छोटा सा घंटी का निशान, उस पर जरूर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।